हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर हम बार बार अगर सिबिल स्कोर चेक करें तो उससे क्या हमारे सिबिल स्कोर पर भी कोई इम्पैक्ट होता है या वो घट जाता है या किस तरह से उस पर असर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं सिबिल की साइट पर अपना अकाउंट बना के, तो उस केस में जब आप अपना सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो सिबिल उसको एक सॉफ्ट इंक्वायरी मानेगा और जो आपका सिबिल स्कोर है उससे इम्पैक्ट नहीं होता है। ये पर्टिकुलर सॉफ्ट इंक्वायरी आप कितनी बार भी कर सकते हैं, उससे आपके जो सिबिल स्कोर पर है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर इंक्वायरी को करने के लिए आपको सिबिल की साइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा और वहाँ से आप जब चाहें तब इससे सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। अब यही एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए जिसमें आप कोई लोन अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर बैंक में और बैंक आपके बिहाफ पे सिविल रिपोर्ट जनरेट करते हैं, सिविल से डाटा लेते हैं आपका, और इस तरह से जो इंक्वायरी होती है वो एक हार्ड इंक्वायरी ट्रीट की जाती है एज पर सिविल रूल्स। तो इस तरह से ये जो पर्टिकुलर इंक्वायरी हुई लोन लेने के लिए हैं, जो बैंक आपके सिविल स्कोर जनरेट करता है, तो वो हार्ड इंक्वायरी की कैटेगरी में आती है। अगर आप इस तरह की हार्ड इंक्वायरी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि बहुत कम टाइम में आप डिफरेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन है वो अप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो आपका सिविल स्कोर है वो भी एक सीवियर तौर पर इम्पेक्ट होता है और उससे आपका सिविल स्कोर घट जाता है। तो आगे से ध्यान रखें कि जब भी आप लोन अप्लाई करें तो उससे पहले सेल्फ से सिविल स्कोर जनरेट कर लें और वो बैंक को दिखाएं, और उसके बाद अगर बैंक राज़ी हो तभी आप बैंक से अपना सिविल स्कोर जनरेट करवाने के लिए कहें। तो इस तरह से जो आपका सिविल स्कोर है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा और वो कम भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।